वेव नंबर का मतलब है कि पर यूनिट डिस्टेंस में जितने भी वेव्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एक फिक्स्ड यूनिट डिस्टेंस में जितने वेव्स प्रेजेंट हैं, दैट इज नोन एज वेव नंबर. और वी कैन से द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेव नंबर. अब समझते हैं वेव नंबर का कॉन्सेप्ट. सपोज कि हमारे पास एक वेव है, एक कंप्लीट वेव जो है उसमें टोटल कितना डिस्टेंस होगा, उसे कहते हैं हम लोग वेवलेंथ. द लेंथ ऑफ वन वेव, वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ. तो एक वेव का डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ. ठीक है, इसे हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि लैम्डा वेवलेंथ मींस वन वेव. ठीक है, लैम्डा डिस्टेंस मींस वन वेव. ठीक है, और जो वेव नंबर है वो कहता है कि यूनिट डिस्टेंस में जितने भी वेव्स हो, तो लैम्डा डिस्टेंस में वन वेव, तो यूनिट डिस्टेंस में 1 by lambda wave. So this will be the wave number. ठीक है, the number of waves present in unit distance. Next, wave number can be denoted by v dash. V के ऊपर ये dash दिया है. ठीक, and wave number is equal to 1 by lambda. और lambda का ऐसा unit होता है meter. तो wave number का ऐसा unit होगा meter inverse. So this is all about wave number.